इस साल केंद्र व राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है। इसी क्रम में आज से झुंझुनू में 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। सबसे पहले गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए गए, वहीं इसके बाद प्रार्थना सभा हुई जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और भजन गाए। इसके बाद गांधी पार्क से लेकर जेके मोदी स्कूल तक गांधी संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को सांसद नरेंद्र कुमार, आयोजन समिति के सह संयोजक मुरारी सैनी तथा एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेके मोदी स्कूल में आज ही गांधी दर्शन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा शहीद वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम लगातार 3 दिन यानी कि 23, 24, 25 अगस्त तक जारी रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती समारोह हम समारोह पूर्वक राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत मना रहे हैं, जिसमें आज 23 अगस्त को सबसे सर्वप्रथम प्रार्थना सभा गांधी पार्क झुंझुनू में सुनी गई। लोगों, शहर के गणमान्य जन, स्कूली बच्चे और समाज सभी पार्टियों के नेताएं सबको बुलाया गया था। समारोह पूर्वक प्रार्थना सभा होने के बाद एक बहुत विशाल 10,000 से ज़्यादा लोगों की रैली जो जेके मोदी स्कूल पर समापन हुई, यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ शहीद वीरांगनाओं को और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया और 3 दिवसीय प्रोग्राम 25 अगस्त की रैली चलेगी। प्रोग्राम में यहाँ पे जेके मोदी स्कूल में एक गांधी जी जीवन दर्शन पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों के लिए सुबह से शाम तक ये प्रदर्शनी खुली रहेगी और इसके ऊपर कुछ प्रतियोगिताएँ भी हैं जो आगामी दिनों में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर को है, उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत से कार्यक्रम रखे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उसको बापू के नाम से भी कहते थे, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है हमारे मारवाड़ी में। राष्ट्रपिता और बापू एक ऐसा शब्द है कि उसी ये लगता है जो वास्तव में छोटों के लिए बहुत अच्छा कुछ काम करता है। और आज हमने जो सपने संजोग रहे हैं या जो आनंद ले रहे हैं भारत में, वो सब गांधी जी के सपने ही थे। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस अभियान को 150वीं जयंती पर चला रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए सफाई अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम चलेंगे और गांधी जी के सपनों को पूरा करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहली बार पूरा किया है। जो हमारे देश के अभिन्न अंग थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनको आज आज़ादी मिली है। हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन संपूर्ण भारत आज इस 2019 के 15 अगस्त पर हुआ है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 150वीं जयंती पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जो ये अभियान चला रहे हैं, ये हमारे सभी के लिए, भारतीयों के लिए सराहनीय है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में जो कार्यक्रम किया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक नंबर पर भी झुंझुनू जिला आएगा, क्योंकि ये टीवी पर, अखबार में, व्हाट्सएप पर, मेल पर, सब जगह जाएगा। इसीलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत पूर्ण धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी आगे अधिकारियों को, क्लेक्टर साहब, एडीएम साहब और उनके सभी विभागीय अधिकारियों को, जिनका इसमें सहयोग रहा है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।